24 घंटे की मोहलत दी है, पता नहीं क्या करेंगे ये लोग। कितनी देर हो गई, अभी तक आए क्यों नहीं? सुबह से शाम हो गई, कुछ सोचा तुम्हें यहां से कैसे निकलेंगे? वही सोच रही हूं जय, मुझे नहीं लगता कि हमारा निकी को पागल बनाने का प्लान कभी पूरा होगा। अब्बा जल्द पूरा होगा भाई। मेरे अब्बा मियां कहा करते थे कि बंदे को कब्र तक सब्र रखना चाहिए, और यहां तो सब कुछ हुआ समझो। राज दिखा दे। ये देखो। ये क्या है? इस बॉटल में हमारी किस्मत बंद है। यहां ये बॉटल खुली, वहां हमारी किस्मत खुली। बस इसके दो चार घूंट पीते ही निक्की को पागलपन के इतने दौरे पड़ेंगे कि फिर उसे सिर्फ मेंटल असाइलम के डॉक्टर ही संभाल पाएंगे। बस एक बार वो पागलखाने पहुंची तो हमारा प्लान नंबर 2 एक्टिवेट, और वो पागल हो जाएगी, और फिर उसके पागलपन का सर्टिफिकेट और उसे पागल बनाने का इनाम दोनों हमारे हाथों में। लेकिन इसमें एक अड़चन है। आप प्लीज अड़चनों की बातें करना बंद करेंगे? भाई देखो, ये दवा या जो भी इसे समझो, ये निक्की को देंगे कैसे? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोल्ड ड्रिंक में मिक्स करके दे देंगे। वो कहाँ होगी इस समय? अपने कमरे में होगी चुपचाप सी, as usual। अब ये क्या नई मुसीबत आ गई? कौन लेकर आया इसे? अरे किसका आइडिया ये? बाबा ये मेरा आइडिया था। मैंने सोचा हम हर साल दुर्गा पूजा तो करते ही है, इस साल हम गणेश जी को भी पूजते हैं। आखिर गणेश जी तो विघ्नहर्ता है ना, सारे विघ्न दूर करेंगे, इस घर की सारी बुराइयां दूर करेंगे, है ना राज? वैसे मुझे पता था कि गणेश जी के घर आने से आप सबको बहुत खुशी होगी, है ना? बोलो गणपति बप्पा मोरिया, बोलो गणपति बप्पा मोरिया। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। अरे फिक्र क्यों करती हो, उल्टा अच्छा ही है कि इतनी भीड़ है। जितने ज्यादा लोगों के सामने उसको दौरा पड़ेगा उतना ही अच्छा, सारी दुनिया जान जाएगी कि कितनी पागल है।
कहाँ चला गया? उसके हाथ में क्या था? आरती खत्म हो गई, मेहमानों को कुछ ठंडा पिलाओ। लीजिए। थैंक यू। लीजिए। नौना, कितना अच्छा गाती हो तुम, थक गई होगी ना? लो ले लो, ये ठंडा है। कितने दिनों के लिए लाई हो गणपति? आप शरबत लेंगी? अरे आप ये लीजिए ना। थैंक यू। निवनिका, प्रसाद तो बांट लो सबको। अरे भूल ही गई मैं। मैं अभी आई। एक सेकंड प्लीज। अरे नोएना, तुमने अपना शरबत तो पिया ही नहीं। थैंक यू। लीजिए, अब हमारी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। See you, Nikki. Bye. नानू, लगता है दौरा पड़ा। Oh my God! मुझे लग रहा है सर फिर से दौरा पड़ना शुरू हो गया। दौरे? बहुत दर्द हो रहा है आंटी। अरे इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। लेकिन अभी तो सही थी ना। अरे आपको क्या मालूम, आप तो मेहमान है। राज संभाल इसे। मैं तो बात कर रहा हूं। जाए तो मौसम हो गया। निकी 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 आंटी प्लीज बचाओ। मैं क्या हुआ अंजलि, तुम रो क्यों रही हो? प्रभात। प्रभात? क्या हुआ प्रभात को? राज, प्रभात भाग्य। भाग्य? भाग्य क्या मतलब, कब? ओ नो, जब काम करीब करीब खत्म हो चुका है तभी उसकी पेशेंस खत्म होनी थी। इडियट। आंटी, निकी गला जल रहा है, तो कुछ करो आंटी। निकी ये सब कैसे हुआ? मुझे धोखे से मेडिसिन दिया उन्होंने। आंटी कुछ करो, सब मेरी गलती है, मुझे ध्यान देना चाहिए था। अब क्या होगा? हम डॉक्टर आएंगे, मुझे वापस हॉस्पिटल भेजने की कोशिश कर देंगे ये लोग। आंटी प्लीज कुछ करो आंटी। कुछ नहीं होगा, डॉक्टर ले लेके जाएगा। हम लोग हैं ना तेरे साथ, डोंट वरी, कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगी। अरे पानी ला एक गिलास, पानी का गिलास दे उधर से, दे जल्दी जल्दी देना। जस्ट रिलैक्स, यू विल बी ओके, यू विल बी फाइन। आंटी मुझे ठीक नहीं लग रहा। यू विल
यू विल फील नाइस. जस्ट रिलैक्स निकी, जस्ट रिलैक्स. थोड़ा सा एक 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 सो जा थोड़ी देर. कोई बात नहीं, प्रभात से तो हम बाद में निपट लेंगे, पर पहले हमें वो काम करना है जो हमारे हाथ में है. निक्की को जल्दी ही मेंटल हॉस्पिटल भेजना है. इस बार हम उस कमबख्त को भागने नहीं देंगे. आप चिंता मत करिए इमरान भाई, मुझे गलतियां दोहराने की आदत नहीं है. राज, मुझे एक बात का डर लग रहा है. किस बात का? कहीं प्रभात सरकारी गवाह बनकर पुलिस को कुछ भकभका ना दे. आप उसे भूल जाइए, पहले हमें राज डॉक्टर आ गया. चलो चलिए. अरे नानू, तुम क्या हुआ? राज क्या बात है? ओ डॉक्टर साहब, लगता है गणेश जी के दर्शन करने आए होंगे, है ना? गणेश जी के नहीं, ये तुम्हारे दर्शन करने आए हैं. मेरा मतलब है तुम्हें चेकअप करने आए. बाबा मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है. अरे पर अभी अभी तो तुम्हें दौरे पड़े थे, पागलपन के दौरे. राज ये कैसा मजाक है, मुझे कुछ नहीं हुआ है. लेकिन अब डॉक्टर साहब आ ही गए हैं तो आप प्लीज मेरा चेकअप कर लीजिए, ताकि इन लोगों को तसल्ली हो जाए कि मैं वाकई ठीक हूँ. राज मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस किस्म का बेहुदा मजाक किया है तुमने मेरे साथ, हैं? अरे ये तो बिल्कुल ठीक ठाक खड़ी है और खामखा तुमने मेरा वक्त बर्बाद किया है. वहां घर पर मेरे पूजा हो रही है, मेरे फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स मेरा इंतजार कर रहे हैं. आई एम गेटिंग लेट, लेट मी गो, शी इज ऑल राइट. डॉक्टर साहब मेरी बात. अरे निकी, 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 वीरू, हमें अपने डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, मिस्टर सिंह के पास. निकी, तू ठीक है? घबरा मत निकी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हमें चलो, कुछ नहीं होगा, चलो, कुछ नहीं होगा, चलो हमारे साथ, चल, 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 चल. अच्छे ब्लॉक्स अभी भी बचे हुए हैं. ये पुलिस कहाँ छोड़ती है? ये तो अच्छा है मैंने बुक छापने की मशीन बना के रखा है, इसीलिए बचेगी. ये कहीं अभी भी बुक तो नहीं छापेगी? नहीं नहीं, आपने सही ब्लॉक्स लगाया ना, फिर तो सही नोट छपेगी. हाँ 100 के 500 के 1000 के नोट निकलेंगे. मुझे लगता है हमारे पास एक बड़ी गाड़ी और बड़ी घर की चाबी जरूर होगी. ऐसा लगता है जैसे लोगों के वो होता है ना बेटा पैदा. ये आया ये देखना, इसको यहाँ रखते हैं. देखे आप, चल ये क्या है यार, तो जाली नोट लग रहा है. ये तो वो फिल्मों में दिखाने वाले नोट हैं यार. सर इससे तो मेरे बच्चे खेलते हैं घर में. नकली नोट छाप के दुनिया को हैरान करते हो ना, अब बच्चों की खेलने वाली नोट छपवा कर हमने तुमको हैरान कर दिया. चलो भागने की कोशिश मत करना, ये पिस्तौल भी असली है और इसके अंदर की गोली भी असली है. चलो. नकली नोट छापने की मशीन? हाँ हवलदार, इसकी एक फोटोग्राफ और फिंगरप्रिंट कमिश्नर साहब के ऑफिस पहुंचा दो. आपका एड्रेस हमें इसके पास से मिला, क्या रिश्ता है आपका इससे? ये मेरा बेटा है इंस्पेक्टर साहब. ये तूने क्या किया बेटा? हमारी नाक कटवा दी तूने. अरे ऐसे क्या खाने के लाले पड़ गए थे जो तूने ये काम कर दिया? इंस्पेक्टर साहब हमारे बच्चे को जरूर किसी ने बहकाया है. बहकाया है? अच्छा. हाँ इंस्पेक्टर साहब, इन्हें किसी ने बहकाया है. भैया आपको जिस किसी ने भी बहकाया, पर हमारे बारे में तो सोचा होता भैया. अरे कौन सा बाप कौन सा भैया, नाटक कर रहे हैं सब. आवाज नीचे करके बात करो. इंस्पेक्टर साहब आजकल इसका दिमाग चल गया है, ये ऐसे ही बोलता है आजकल. हाँ इंस्पेक्टर साहब. भैया कम से कम हमें सबके सामने जलील तो मत करो. अरे हम तो आपके अपने हैं, कम से कम हमें तो नकली मत कहो. देखो हम आपके जमानत की व्यवस्था कर रहे हैं भैया. हवलदार इसको हवालत में बंद कर दो. प्रभात भैया क्या मिला आपको ये सब करके? चंद रुपयों के लिए आप बिक गए, पर क्या हासिल हुआ इससे? आप तो मुफ्त में मारे गए ना. उम्मीद है आपको अपने किए पर पछतावा है, और खास करके उस इंसान के लिए
जिसने आप पर भरोसा किया था। जया को बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत समझाने की, मानी नहीं। कहती मैं सब कुछ बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी। बचाओ, कोई बचाओ मुझे, हेल्प। एक विकेट और गिरी। पर एन मौके पे पुलिस कैसे आ सकती है? हाँ, किसी ना किसी ने फोन किया होगा ना उनको। रोहित ने इन्फॉर्म किया था। रोहित को प्रभात के पुराने अड्डों का पता चल चुका था। चलो, एक पत्ता तो गिर गया, अब अगला पत्ता किसका? बस तुम देखते जाओ। अंजलि जा रही है। क्या कह रही हो तुम? हाँ राज, मैंने अभी अभी उसे पैकिंग करते हुए देखा है। नहीं, उसे रोकना पड़ेगा। अगर एक एक करके इस फैमिली से सब लोग चले गए तो यहाँ बचेगा कौन? हम लोग तो बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। राज, हम यहाँ पे अकेले नहीं रुकेंगे। जया, तुम बहुत जल्दी हाइपर हो जाती हो। मैं हूँ ना, आओ मेरे साथ। रोक लो, रोक लो उसे, कि अगर वो चली गई तो मैं सबक किसे सिखाऊंगी। लेकिन मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूं तुम लोगों की लालच उसे जरूर रोक लेगी। अरे अंजलि, तुम कहीं जा रही हो? हाँ। कहाँ? पता नहीं, पर कहीं दूर। मैं ये नाटक सिर्फ प्रभात की वजह से कर रही थी। मैंने सोचा अच्छे पैसे मिल जाएंगे तो हम दोनों शादी कर लेंगे, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि प्रभात के मन में कुछ और ही चल रहा है। देख लिया ना धोखेबाजी का नतीजा, जेल में चला गया ना वो। अच्छा हुआ। करेक्ट, बिल्कुल अच्छा हुआ। कम से कम उसकी हस्ती तो सामने आ गई। देखा, अब तुम्हें मालूम पड़ गया ना कि वो तुमसे प्यार बिल्कुल नहीं करता था। हाँ, पर अब मैं क्या करूं? अब यहाँ पर रहने का कोई फायदा नहीं। पर अगर मैं कहूँ कि तुम्हें दुगना फायदा होने वाला है तो? देखो, पहले तुम दोनों को इस काम के लिए 20-20 लाख रुपए मिलने वाले थे, ठीक है? लेकिन अब प्रभात के जाने के बाद उसका हिस्सा तुम्हें मिल जाए, यानी 40 लाख रुपए, 40 लाख। क्यों, ठीक है ना? हाँ ठीक है, लेकिन ज्यादा अच्छा नहीं है। क्योंकि क्या है ना राज, कि पति का हिस्सा तो पत्नी को मिलता ही है ना, उसमें कौन सी नई बात है? पति? तुम्हारी शादी हो चुकी थी। अरे जया, पति ही समझो ना, अगर वो कमीनापन नहीं दिखाता प्रभात तो उनकी शादी हो जाती। क्यों? हाँ राज, प्रभात से रिश्ता टूटने का गम भुलाने के लिए मुझे अब्रॉड तो जाना होगा ना, वो अलग कर जा। तुम ऐसा करो राज, कि मुझे 40 के बजाय 50 लाख दे दो। 50 लाख मतलब अमाउंट भी दमदार दिखती है, और 50 लाख यानी आधा करोड़। ठीक है अंजलि, तो मैं दिए 50 लाख। 50 लाख इज योर। अरे अब कहाँ चली? वो मुंह तो धो लो, प्रभात के लिए जो आंसू बहाए थे वो धो तो दो। कितनी आसानी से कह दिया ना, ले लो। मुझे कहते हो पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या? अब हमारा हिस्से का क्या होगा? जया,
तुम कुछ नहीं समझती हो। देखो अगर अभी वो चली गई, उसके पीछे इमरान भाई चले गए, तो हमारा हिस्सा कम नहीं जीरो हो जाएगा। और जीरो का मतलब समझती हो ना तुम? बहुत अच्छे से समझती हूँ। हमारे हिस्से में वही आएगा तुम्हारा जीरो। अरे जीरो, बात तो सुनो। तुम्हें पता है कितनी बड़ी रकम होती 10 लाख? एक गाड़ी आ सकती थी। गाड़ी तो फिर भी आएगी। हाँ, घोड़ा गाड़ी आएगी। अरे कहाँ गए दोनों? 50 लाख रुपए। लेकिन इतने पैसों का मैं करूंगी क्या? सच कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। प्रभात गया तो उसके पैसे भी मुझे मिल गए। तेरी ऊंची शान है मौला, मेरी अर्जी मान ले मौला। तू है सब कुछ जानने वाला, मैं हूं तुझको मानने वाला। मेरी भी तू लिफ्ट करा दे। हेलो शरद भाई। हाँ, आप कौन? अरे इमरान भाई, पहचाने नहीं किया? मैं फकरू। अरे फकरू मियां, तेरे को बोला था ना इधर से फोन नको करने का, जब भी मिलने का ईरानी होटल में आकर मिलने का। अरे आप, तुम्हें बोले थे वो ठीक है, पर तुम्हें इधर आते किधर है? अरे वो अपना इस्माइल है ना, वो टंगड़ी बनाता है तभी आपको बहुत ही याद करता है। हाँ, मेरे को लगता है तुम अपना इस नया फैमिली में बहुत खुश है। अरे काय का खुश ढक्कन, उधर से आने को मना किया आपने को। और तू सुना क्या हो रहा? होने को क्या होएगा इमरान भाई। हाँ, उन्हें आपको ढूंढ रहे हैं। कौन? अरे वही करीम भाई। करीम भाई, वो छूट गए ले क्या? आएला नहीं है, आने वाला है, पर उसके लोग आपको पूछ रहे थे। उस दिन मैं वो मगन भाई का दुकान पे खड़ा था ना, उधर आप इसके बारे में पूछ रहे थे। अरे वो तो मैं खिसक लिया, नहीं तो मेरे को पकड़ के आपका पता जान लेते ना। अरे फकरू, तू अंडरग्राउंड हो ले, मैं भी काम निपटा के आता हूँ। हम उधर से कहीं और खिसक लेंगे। अपने को करीम भाई के हत्था चढ़ के कबाब नहीं बनने का। भाई साहब बोले भाई। खुदा हाफिज। आप? तुम? मेरा मतलब मैं उर्दू। क्या? मैं कह रहा था कि मैं बंगला और उर्दू दोनों। एक मिनट, हाय रखो मेरे सच्चे बादशाह। हाँ, अभी बताइए क्या कह रहे हैं आप। मैं पूछ रहा था आप पान नोश फरमाएंगी? मैं अभी नहीं नोचूंगी पान को, मैं 5 मिनट के बाद पान खाऊंगी, है? पक्की सुपारी के साथ, है? मैं 2 मिनट में चाय दे के आती हूँ सबको, है? ठीक। परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है, इसने कुछ नहीं सुना। रब्बा मेरा अच्छा हो, मैंने सब कुछ सुन लिया। निक्की को जाके सब कुछ बताना पड़ेगा। कहीं जा रही हो जया? नहीं तो बोलो। आज सुबह तुम अपनी तस्वीरें देने वाली थी, मिली? मिल गई। ये लो। वाह, कौन है जी ये ब्यूटी क्वीन? पहचाना नहीं? जया है। ये जया है? ये अपनी जया है? मुझे कमाल है जी, मुझे तो पता ही नहीं था कि इस घर के अंदर भी एक चांद का टुकड़ा रहता है। मुझे कहते हैं ना कि हीरा हीरा तब बनता है जब उसे सही एंगल से तराशा जाए, उसी तरह चेहरा चांद तब बनता है जब सही एंगल से उसकी फोटो खींची जाए जी। एक मिनट बेबे, ओ बेबे जल्दी आ इत्थे। अरे बेबे किथे है तू? अरे क्यों चीके जा रहा है, क्यों है तेनू? है बेबे देख क्या जाए? जाए जा नहीं है, ये तो कल की उभरती सितारा है बेबे, लगता अपना काम तो हो गया। ये देख। कौन सा काम? ओ जी फिल्म बनाने का जी, मेरे मामा जी जो है वो फिल्म फाइनेंसर है, कहते रहते हैं कि फिल्म बनाओ फिल्म बनाओ। वो क्या है ना, मैंने बहुत पहले एक कहानी लिखी थी, है? सही ढंग की हीरोइन नहीं मिली तो मैंने कहानी दे दी। वो केड़ी पिक्चर है? हम दिल जे तू के
ऐसे ही कुछ था। वो आपने लिखी थी? और नहीं तो क्या। मैंने लिखी थी, गोल्डन हिट गई है, जुबली गई है। वैसे क्या है ना, मेरे पास और एक कहानी है। रियली? कहाँ? दिमाग में। वो क्या ना, सही हीरोइन नहीं मिली ना अब तक, इसलिए कागज में नहीं अभी तक उतार रही है। अब लगता है कुछ काम हो गया है। बेबे तू भी कमाल कर दिया है, पहले उनसे पूछ तो ले क्या वो हमारे फिल्म में काम करेंगी। अरे ऐसे कैसे नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी भला है, इतना बड़ा ऑफर क्यों ना करोगे आप? पता है वैसे मुझे पहले ऑफर्स मिले थे। हो सकता है, लेकिन मैंने रिफ्यूज कर दिया। रिफ्यूज कर दिया? किस गधे ने आपको सलाह दी जी रिफ्यूज करने की? राज, चलो जो भी किया अच्छा ही किया, क्योंकि क्या है ना, आपकी शुरुआत हमारे से होने वाली थी। हाँ जी, देखिए आप हमारे फिल्म के लिए प्लीज रिफ्यूज मत करिए। बड़ी फिल्म है, बड़ा बैनर है। तो कमाल हो गया, धोती फाड़ के रुमाल हो गया, अपना काम तो हो गया। गोल्डन जुबली है। बड़ा लंबा सफर तय किया है तूने मिस अंजलि, क्या क्या नहीं किया। बचपन से ही काम शुरू किया, किसी तरह पैसों का इंतजाम हुआ तो डॉक्टर बनी, फिर भी मुश्किलें खत्म नहीं हुई। कभी मां की बीमारी तो कभी बहन की शादी, पैसों की तंगी से निपटते निपटते मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं इस धंधे से जुड़ गई। बॉडी ऑर्गन्स बेचने के धंधे में कोल्हापुर के अस्पताल में काम करती थी, वहां डॉक्टर्स के रैकेट में शामिल हो गई जो अपने मरीजों को गलत सलाह देकर उन्हें ऑपरेशन के लिए तैयार करते थे। एक बार एनेस्थीसिया देकर फिर उनके शरीर से किडनी वगैरह निकाल लेते थे और अमीर जरूरतमंदों को बेच देते थे। ऑपरेशन करने की फी अलग और किडनी वगैरह बेचकर कमाई रकम अलग। दोनों तरफ मुनाफा जो चाहिए। लेकिन फिर भी मेरे हिस्से में ज्यादा कुछ नहीं आया, पर पाप में भागीदार मैं बराबर की बनी। और जब पुलिस को इस धंधे का पता चला तो उन्होंने हॉस्पिटल ही बंद कर दिया। वहां से भागते भागते मैं प्रभात से मिली, हम दोनों में प्यार हो गया और फिर राज इस प्लान को लेकर हमारे पास आया। प्रभात तुरंत राजी हो गया और प्रभात राजी हुआ तो मैं भी राजी हो गई, क्योंकि इस काम के जरिए हमें काफी पैसे मिल सकते हैं जो कि शादी करके सेटल डाउन होने के लिए बहुत जरूरी है। पहले वो छूटा, फिर नौकरी और बॉयफ्रेंड, अब ये घर भी छूटेगा उस बेचारे का। घर? वो कैसे? उसी की चाल उस पर चलनी होगी। लोग अक्सर उन्हीं चीजों से डरते हैं जिनसे वो दूसरों को डराते हैं। तो फिर मुझे मालूम है तुम्हारे बाबा को कैसे डराना है। कैसे? करीम भाई का नाम लेके। कब कब आ जाएंगे साथ में, सर्दी जुकाम खांसी सब कुछ एक साथ हो जाएगा। तो फिर एक काम करते हैं, अंजलि का मामला निपटाने के साथ साथ शरद करमरकर की फाइल भी खोल देते हैं। शरद करमरकर उर्फ शरद दास गुप्ता उर्फ इमरान भाई, अब वक्त आ गया है उनके चेहरे पर डर नजर आने का, पसीने छूट जाने चाहिए उनके। या खुदा, ये 3 दिन बाद करीम भाई निकलेंगे। मर गए? हाँ, कुछ नहीं कुछ नहीं। नहीं, ऐसे ही पढ़ रहा था। ओ चलो जी, चलो सब लोग चलो शॉपिंग के लिए, बहुत बड़ी सेल लगी है। अंजलि तुम भी चलो हमारे साथ। शॉपिंग? नहीं नहीं, मैं अभी शॉपिंग करके आई हूँ और वैसे प्रभात भी यहाँ पर नहीं है, तुम लोग हो आओ। तो कर लो बात, तुम नहीं आओगी तो मुझे कंपनी कौन देगा है। चल ना जया, तू तो आ रही ना हमारे साथ। तो बाहर धूप बहुत है ना। धूप बहुत है जया, यही वक्त है शॉपिंग करने का। एक बार सक्सेसफुल एक्ट्रेस बन गई फिर कहाँ होती है शॉपिंग वॉपिंग, फिर तो वही पहनना पड़ेगा जो ड्रेस डिजाइनर ला के देंगे। क्यों, ठीक कह रहा हूँ कि नहीं? अरे बिल्कुल सही कह रहा है। तू चल रही हमारे साथ बस।
ताऊ जी अब मेरा मत बोले बाबा बाबा आप भी चलिए हमारे साथ शॉपिंग। अरे कहाँ, मैं बच्चों के साथ जाकर क्या करूंगा, तुम लोग हो आओ। बाबा चलिए ना प्लीज, मुझे माँ के लिए एक साड़ी खरीदनी है जो आप ही को पसंद करनी होगी, चलिए ना। अरे नहीं बेटा, मैं कितनी एक्साइटेड हूँ, हम सब इकट्ठे शॉपिंग। चलिए बाबा चलो, मुझे तू भी चलिए यार, आइए आइए चलिए, हम सब खूब सारी शॉपिंग करेंगे, चलिए। ओके बाय बाय अंजलि। अरे ये लोग सब एक साथ कहाँ जा रहे हैं? शॉपिंग करने। राज, जया क्या फिल्मों में काम करने वाली है? तुमसे किसने कहा? वीरू ने, उसके कहने पर ही तो शॉपिंग के लिए गई है। हवा तो बहुत अच्छी है यहाँ पर, शायद खाना भी अच्छा है बहुत है। मैं तो चिकन तंदूरी, चिकन करी, ते मच्छी, ते चोल और आलू के पराठे, ते आलू गोभी की सब्जी और रायता, मेरे को लगता है ये मेरे लिए बहुत है अभी है। आज आप बैठे, बस इतना ही आज? वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि यहाँ की स्पेशलिटी क्या है? अरे स्पेशलिटी को मारो गोली, मेरे पेट में चूहे डर रहे हैं, मुझे भूख लग रही है, चलो ऑर्डर करते हैं। वो क्या है ना, आंटी आधे दिन का उपवास रखती है। तो ठीक है ना, अभी ऑर्डर करते हैं। वीरू तू क्या खाएगा? निकी, मैं सोच रही थी यहाँ से कहीं और चलें। क्यों? वो वैसे ऑनेस्टली यहाँ का खाना उतना अच्छा है नहीं, और सर्विस भी बहुत खराब है। वो कभी और चले जाएंगे, अभी मेरे पेट में भूख लगी है, यहीं खा लेते हैं। आंटी आपने कहा था ना आपका पंजाबी खाना फेवरेट है, यहाँ पे बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। ठीक है जी, फिर चलते हैं। अब मेरा मतलब है जाने का तो चलना ही पड़ेगा, चलो जी चलते हैं। और वीरू तूने मुझे बताया नहीं तू क्या आएगा है? अभी तेरे को खाने के अलावा और कुछ नहीं सूझता। अरे क्या करूं, भूख लग रही है, रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा, जल्दी चलना, क्या कर रहा है तू? तुम तो भागी जा रही हो। नहीं वो पता क्या, एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, घर चले हम। ठीक है, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। क्यों? मैंने अभी अभी कुछ अजीब देखा। क्या देखा? उदय। क्या? हाँ जया, वो बिल्कुल उदय की तरह लग रहा था। तुम क्या कह रही हो, तुम जानती हो कि उदय इस दुनिया में अब नहीं है? फिर भी तुम मेरी जज्बातों का मजाक उड़ा रही हो। तुम जानती हो कि उदय कब से गुजर चुके हैं? वो उस पुलिस एनकाउंटर में उनकी उनकी बॉडी तक मुझे दिखाई नहीं गई थी। नहीं दिखाई गई थी तभी तो शायद वो। बकवास बंद करो, बहुत हो गया है। काम डाउन जया, पहले मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ करता था। मैंने शीतल को पहले मरा हुआ देखा, बाद में जिंदा देखा, मैंने तुम्हारी भी डेड बॉडी देखी, तुम्हें वापस जिंदा भी देखा, अब शायद उदय भी। मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी, बहुत हो गया, मैं घर जा रही हूँ। अब क्या करें, घर जाके खाना खाना पड़ेगा है। चलो कोई बात नहीं, जया की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये शूटिंग करेगी तो काम कैसे करेगी? बे वहाँ इसका पर्सनल बॉय होगा ना, छत्ता लिया आगे पीछे घूमेगा। और क्या। अरे बेटा अपनी गाड़ी कहाँ है? जी वो खड़ी हुई है। लोगों को देख के और क्या। लेकिन ये लोग है कौन? यही तो पता कराना है, ये देखकर बाबा ऐसे भाग क्यों गए?